दौलत मामन जाए
अपनी सी एजुकेशन बिहारी हैं, वो अपनी टीम के साथ में जाके जो बताते हैं आज हम के एजुकेशन है बस मोसेस मेहमाना ने गरामी के एहसास में जी
بسم الله الرحمن الرحيم يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد ان کے چشمے کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے ان کے چشمے کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی کس قدر مہرباں ہے محمد کس قدر مہرباں ہے محمد میرا سینہ ہے مثل نگینہ میرے دل میں ہے یاد محمد
मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये पलट जाएंगे रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये पलट जाएंगे रुख बदल कर। ये पलट जाएंगे रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब ना खुदा है मेरे जब मुहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मुहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। बहुत खूब, बहुत खूब, खूबसूरत स्टाइल जाकर ओलंपियंस का। बहुत अच्छे, बहुत खूब अरसलान, बहुत अच्छे जी, हमारी बेटी ये ला रही है। हाँ जी अहमद मेरी बेटी, हमेशा हवाले की जा रही है, हमारी बहन एक्स तलबा है गवर्नमेंट एम पी आप इंटरनेशनल एथलीट हैं अहमद ट्रॉफी और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं आप अब तक की जो है। इनको ये नूतन से आने वाली मशन जो है वो धन्यवाद के हैंड ओवर हुई और आखिर में ये मशन जो है वो जनाब डिप्टी कमिश्नर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब वसीम अहमद साहब डिप्टी कमिश्नर जिला खानेवाल, मोहतरम जनाब जनाबा मैडम अजूबा अजीम साहिबा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जिला खानेवाल, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद शहीद साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला विहाड़ी, जुमला मेहमानान गरामी, साबका ओलंपियंस, प्रेस के दोस्त, असाज़ा कराम और ख़ास तौर पर अजीज तलबा और तालबात, अस्सलामु अलैकुम। हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि साउथ पंजाब की ओलंपिक मिशन जो कि कल मैं बहैसियत नुमाइंदा जनाब डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद साहब मैंने जिला खानेवाल से वसूल की, आज हम एक और वकार तकरीब में ये मशाल जिला खानेवाल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हवाले करेंगे। मैं इस मौके पर अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब हामिद वसीम हामिद सिंधु साहब उनका ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद हमें ये एजाज़ दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह ज़िला खानेवाल दिन ब दिन तमाम मैदानों में और ख़ास तौर पर महकमा तालीम में बेहतरी के लिए हम कोशां हैं और उसका सर मुँह बोलता सबूत मेरी जो सबसे पहली असाइनमेंट यहाँ आने पर मुझे मिली, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एनरोलमेंट वो 1 अप्रैल से शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर को जो मुकम्मल हुई है सर, उसमें हमारा ज़िला मुल्तान डिवीज़न में पहले नंबर पर और पूरे साउथ पंजाब में हम दूसरे नंबर पर रहे हैं सर। ये सारा सर आपकी मेहरबानी, आपकी तवज्जो और आपकी गाइडेंस का नतीजा है और इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई में
और मैडम अजूबा साहिबा की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर भी हैं, हमें मॉनिटर भी करती हैं और हमें एडवाइस भी करती हैं। शुरू शुरू में मैं आया तो मैं बड़ा घबरा गया कि मैडम सख्त है, लेकिन जब मैडम की शफकत देखी है, वो सिर्फ बीमारी की तशखीस ही नहीं करती बल्कि उसका इलाज भी बताती हैं और वो हमारे लिए बेहतर भी होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और मैडम की ये शफकत और गाइडेंस हमें आगे भी दस्तियाब रहेगी। सर, खास तौर पर आज के मौका की मुनासबत से जिला खानेवाल पहली दो ओलंपिक्स में भी बड़ा हमने बेहतरीन हमारी परफॉर्मेंस रही, खास तौर पर हॉकी और एथलेटिक्स के मुकाबलों में जिला खानेवाल बड़ा नुमाया रहा और इंशाल्लाह 6 नवंबर से शुरू होने वाले मुकाबला जात में भी हम आपको मायूस नहीं करेंगे और हमारे सारे एथलीट्स और बाकी खिलाड़ी आपकी ज़ेर क़यादत अपने ज़िला की नुमाइंदगी करते हुए इंशाल्लाह इनामात लेकर लौटेंगे और फिर एक तकरीब में सर को अजय तकलीफ देंगे कि इंशाल्लाह यहीं पे दोबारा इकट्ठे हों। जनाबे वाला, ज़िला खानेवाल जो है ये गॉड गिफ्टेड ज़िला है, दिस इज़ द लैंड ऑफ पोटेंशियल सर। यहाँ पे हर मैदान में बहुत अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं। आज चूँकि खेलों की बात है तो खेलों के हवाले से मैं ये अर्ज करूँगा कि यहाँ से मौजूदा हमारे जो कौमी एथलीट हैं, नदीम अरशद साहब, जो आज किसी मजबूरी की वजह से, मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं आ सके, वो ज़िला खानेवाल से बिलोंग करते हैं। उनके अलावा आज जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनमें राणा शबीर अहमद साहब हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं सर, राणा एहतसाब साहब इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूं सर, मैडम रज़िया सुल्ताना साहिबा जिन्होंने अभी मशाल यहाँ पे बच्चों से वसूल की, ये इंटरनेशनल एथलीट हैं और हमारे लिए ये ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि ये हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स MC हाई स्कूल की स्टूडेंट भी रही हैं। इसके अलावा जी कबड्डी के मैदान में जहाँ मलिक जमान मेतला साहब हमारे बुजुर्ग हैं, जो पंजाब की टीम के कप्तान रहे हैं, आज वो नहीं आ सके, मैं बीमार थे, बुजुर्ग थे, लेकिन उनका मैं नाम और उनकी कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने ज़रूरी समझा। मोहम्मद फ़हीम साहब इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं सर, वो भी खानेवाल से हैं, और ऐसे कई और नाम होंगे जो जिनको मेरे तक नहीं पहुँच सके, लेकिन ज़िला खानेवाल को अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है कि हर मैदान में ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, जिस जगह भी आप आजमाएं सर, हमारे स्टूडेंट्स अगर कि कुछ प्रोग्राम हुआ है तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज़्ज़त से इन्होंने नवाजा, और खेलों का मैदान हो तो हमारा सर एक इधर स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल को ही वाला, वो एक ऐसा स्कूल है सर कि पूरे नेशनल बल्कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर उसको हॉकी के मैदान में शोहरत हासिल है, वहाँ का हर बच्चा खिलाड़ी है और बेहतरीन खिलाड़ी है। जब पिछले हफ्ते सर हॉकी लीग में फाइनल मैच हमारा बावल नगर के साथ था तो वहाँ पे हमारे सबका सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब मौजूद थे, हालांकि उन्हें बुखार था लेकिन उन्हें इतना शौक था हॉकी में कि वो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने जब टीमों का सर फिजिकली देखा तो उन्होंने कहा कि ये हारे नहीं, ये जीत गए हैं, कि हमारे ओरिजिनल बच्चे थे, छोटे छोटे कद के थे और उन्होंने आउटसाइडर डाले हुए थे हमारी हाइट के, हमारी सेहत के, तो उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि आप जाएँ, स्टेज पे बैठा हुआ था और मेरे साथ सैयद महमूद रबी शाह साहब थे, कि आप अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें जैसे वो चैंपियन वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, कि ये बच्चे जीते हैं मेरी नज़र में और हम मेरे लिए ये उनका ये जो हुक्म था ये उनके लिए जज्बात थे, वो चैंपियन होने से ज़्यादा बड़ा एजाज़ था कि उन्होंने देर से हमें चैम्पियन तस्लीम किया और हम वाकई वहाँ गए और वहाँ बच्चों के साथ हमने बड़ा उसको सेलिब्रेट किया और बाकायदा उन्होंने अपने खिताब में भी हमें उस पर खराज तहसीन पेश किया। सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे आपकी मसरूफियात का पता है, तो मेरे लिए सर
आज बहुत खुशी का मकाम है कि मेरे कायद मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस तकरीब को उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। बाकी तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया। ये तकरीब जारी रहेगी और इंशाल्लाह इसमें आपकी तफरी के लिए, बच्चों की तफरी के लिए बहुत हमने एहतमाम कर रखा है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। उनकी जाने से खूबसूरत वेलकम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। रिसाइट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड। वही है साहेब इमरोज जिसकी हिम्मत से मुझे भी खराब लग रहा है। साहब जी आप देख लो मेरा खालिस दूध है अभी। आपके दूध का टेस्ट होगा फिर मैं आपको जाने दूंगा। साहब जी दो मिनट। कहाँ जा रहे हैं? पकड़ी चुके। टेस्ट कराने से बेहतर है मैं दूध को फेंक ही देता हूँ। जी ये खूबसूरत अंदाज मौजूद मेहमान को वेलकम करने का बहुत अच्छी है दिखानी। छोटी चीजें बड़ी करवा लो,
छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो। सलाम वालेकुम भाई। मैंने सुना कि आप छोटी चीजों को बड़ा करते हैं। भाई जान आपने बिल्कुल सही सुना है। तो मैं आपसे छोटी चीज बड़ी करवाने के लिए आया हूँ। जी भाई जान हो जाएगी। मुझे खाना पकाते वक्त तंगी होती है जी, और इस चमची को मशीन में छोटे के बजाय बड़ा कर दो। कोई मसला ही नहीं है जी, हो जाएगी आपकी चमची बड़ी हो जाएगी। 50 रुपए लगेंगे, आपकी चमची बड़ी हो जाएगी। ठीक है भाई, 100 रुपए आप रखो। ठीक है जी, चल ब्राइटो चल निकाल कोई घर। रुक ब्राइटो, ले जी आपकी बड़ी चमची। ये जबरदस्त भाई, इसका तो दस्ता नहीं है, आपने मुझे दस्ते वाली दी थी। ठीक है, उसी को बड़ा करना है भाई जान। छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा बोल छोटा हो गया, इसको बड़ा करवाना है। जी भाई जान हो जाएगा, कोई मसला नहीं है जी। कितने पैसे लगे? ये आपके 50 रुपए लगेंगे, आपका पुरुष बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, चल बराइटो चल निकाल कोई हल। रुक बराइटो, अभी आपको पुरुष बड़ा हो जाएगा। छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो। फेस इधर करना अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। मड़ा हमने सुना है कि तुम छोटी चीजों को बड़े कर रहे हो। जी खान साहब आपने बिल्कुल सही सुने। मड़ा हम पठान बहुत नस्वार खाते हैं, हमारे पास नस्वार का डब्बी छोटा है। हम बड़ा कर देगा खान साहब, इसको बड़ा कर दो। ये 50 रुपए लगेगा आपका। मड़ा 30 रुपए ले रहे हो ना? नहीं नहीं, 30 रुपए का तो बड़ा नहीं करेगा, हम 50 ही लेगा। चलो ठीक है, अभी आपका डब्बी बड़ा हो जाएगा। चल ब्राइटो चल निकाल कोई हल। रुक ब्राइटो, अभी बड़ा हो जाएगा आपका डब्बी। कौन सा? ये लो खान साहब, आपका नस्वार का बड़ा डब्बी। ये किया ना, मैं दो रहे हैं ये। हाँ जी, मजा आता है। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब। हाँ जी, तुम बिल्कुल सही सुने जी, है साढ़े को मशीन। तो जी मैं शादी के सीजन है भैया जी, ते छोटे ढोल में तंगी होती थी, आवाज घाटे पे ते यार छोटे ढोल रख के मैंने बड़ा ढोल दे उचा। भट्टी साहब हो वैसी ढोल थोड़ा बड़ा, लेकिन ये दे 100 रुपए अलग सी थोड़ी। सॉरी ये ना करो, मेरे को तो सिर्फ 50 रुपए है ने। मैं शादी का सीजन है, तुसी तक मामड़े मोड़ चल दियो। सा जी लाओ जी, 100 रुपए दे मैंने। लाओ जी, अभी देखना ब्राइटो बड़ा ढोल निकाल देगी। चल ब्राइटो चल निकाल कोई हल। वाह भाई वाह वाह, हेलो भट्टी साहब, मोल मारो सीजन कमाओ पूरा। यकीन है ना, आपकी क्लैप जो है ना वो एक दाद है उनकी, एक खूबसूरत खाके की। छोटी चीजें बड़ी करवा लो, 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 छोटी छोटी चीजें बड़ी करवा लो, छोटी चीजें बड़ी करवा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा साहब।
चल ब्राइडो चल निकाल को यार तो लग रहा ब्राइडो बंद हो गई शिकायत कर मॉडल हाई स्कूल थानेवाल के बच्चों ने खूबसूरत खाका यकीनन जो है ना जी वो पेश किया। चलो भाई आपकी काफी कमाई हो गई। प्यारी बेटियों का झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बहुत खूब बहुत खूब यकीनन स्कूल ओलंपिक रंगारंग प्रोग्राम शानदार स्टेप्स खूबसूरत फॉर्मेशन बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ट्रिब्यूट टू मैम सादिया खान बहुत खूब बहुत खूब। Thank you.
सब्जेक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मैम सादिया खान साहबा। हाँ जी दामाकों के साथ किराजे खासतौर पर ये एलिमेंट्री बैंक से चौधरी बाबा जोर साहब को भी बहुत बहुत को Thank you.
प्यारा था जुमला शरा का को सुपर पार्टी की जाने से बेहद शुक्र गुजार है इज्जत बाग मलिक अल्फाम हुसैन साहब लड़का साहब के जनाबे सैयद महबूब अली शाह साहब के जनाबे चौधरी मोहम्मद जोनी साहब के और चारों डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर जनाबे अब्दुल सत्तार साहब जनाबे चौधरी फारूक हकीम साहब जनाबे सिकंदर सकराणा साहब के जी हैं जी जनाबे शाहिद आलम साहब के और जुमला ऑफिसर्स के जी सुहेल खान न्याज साहब के मेरे खूब शुक्र गुजार हैं बेहतरी हो। आमीन।